मुझे बताइए यहाँ पे कोई अच्छी जगह है खाने की? सर ये छोले, ये पूरी है, ये तो भाई अलग ही टैलेंट है। यहाँ पे जब मैं बचपन में अपनी माँ के साथ आता था तो वो मुझे यहाँ के स्पेशल चावल खिलाती थी। अब हम आ गए हैं अमृतसर पंजाब ऑफिशियली। अप्पा जी गोल्डन टेम्पल कैसे जाया जाए? जिधर मैं हूँ अभी मेरे सामने अब आ गया है गोल्डन टेम्पल, एंड जो नज़ारा है लिटरली मैं बयां नहीं कर सकता, कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, एक वाइब ही अलग है इस जगह की। ये है गोल्डन टेम्पल, लुक एट दिस। मुझे नहीं पता ये फुटेज में उतना अच्छा लग रहा है कि नहीं, मगर जो यहाँ की वाइब है ना इस प्लेस की, दैट इज़ लाइक मैं बता नहीं सकता हूँ यार, कितनी ज़बरदस्त है। पता नहीं, देख लो यहाँ से ऐसा दिख रहा है, मुझे नहीं पता वीडियो में क्या है, लेकिन जो यहाँ पे खड़े रहने की और यहाँ पे चलने की वाइब है वो एक नेक्स्ट लेवल है भाई, सीधी बात कर रहा हूँ। ये है पूरी जगह और लिटरली यहाँ पे हर जगह प्रार्थना चल रही है, यहाँ पर वहाँ पर, और यहाँ से हम एंटर करेंगे टूवर्ड्स गोल्डन टेम्पल। तो अभी मैं आ गया गोल्डन टेम्पल से, मैं पूरा अंदर गया था, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी सो मैंने पिक्चर्स नहीं ली, तो मैं अभी दिखा देता हूँ। ये सेक्रेड ब्रिज है, ठीक है, इधर से आपको लाइन में लगना होता है और इधर जाते हैं हम गोल्डन टेम्पल। यहाँ पे लोग सेवा करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, आप चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पूरी एकदम क्लीनलीनेस है, सब कुछ है, और ट्रस्ट मी मैं फिर से वही बोलूँगा, दिस प्लेस एज अ होल डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब, पूरी एकदम डिफरेंट वाइब है। सी ये कितनी मछलियाँ तैर रही हैं इस पानी में, एकदम क्लीन है, लाइक अमेजिंग, इट शुड बी वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी। गोल्डन टेम्पल आए हैं और यहाँ का स्पेशल लंगर ना खाएं, ऐसा हो सकता है। चल पड़े हैं मंजिल में एक तमन्नाए मुकाम लेकर, अली इसके आगे का क्यों याद ही नहीं आता। जो अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं उनके लिए ऐसे अपने पैर साफ करते हैं। ओह ओह ओह, यहीं से प्लेटें मिलती हैं। हम अभी हैं दुनिया के सबसे बड़े लंगर में, सबसे बड़े। दाल, देख लो कितने लोग हैं। मैं बताऊंगा, मैंने मजहब बहुत देखे हैं, गलत बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक मजहब जिसके लोग मैंने सबसे ज़्यादा दुनिया में इंसानियत के तौर पे लोगों की खिदमत करते हुए देखे हैं ना, जैसे वो सिर्फ सिख है। मैं सर बताऊँगा, मैं किसी मज़हब को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिखिज़्म में जितनी इंसानियत की खिदमत होती है ना, ये मज़हब नहीं देखते, ये नहीं देखते सामने बंदा है हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई, लेकिन खिदमत ये हमेशा करते हैं। और इनके कई NGOs भी इनफैक्ट चल रहे हैं जो सीरिया में यमन में हर जगह पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। आप किसी भी मुल्क के हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन ऐसे लोगों की इज्जत हमेशा करनी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लंगर बनाते कैसे हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। कितनी साफ सफाई से रोटियाँ बन रही हैं, कितनी हाइजीनिक, कितनी अच्छी जगह, देखो कितना प्यारा सा बच्चा। हेलो, सत श्री अकाल। ये तेल के डब्बे हैं जो लंगर में इस्तेमाल हुए हैं, सब तेल के डब्बे हैं। यहाँ पे बर्तन धुलते हैं,
ये सारी सेवा चल रही है यहाँ पर सिख धर्म के लोगों की। ये दाल है, ये खीर है। मैं स्पीचलेस हूँ, लिटरली ना स्पीचलेस होता है ना, मतलब इतना सब कुछ डेली बेसिस पे हो रहा है, इतने भूखे खाना खा रहे हैं डेली बेसिस पे। बात है इतनी, मैं आया गोल्डन टेम्पल आज, मेरा इरादा नहीं था मैं यहाँ पे इतनी वक्त कराऊंगा, लगभग मुझे डेढ़ दो घंटे हो गए, डेढ़ घंटा तो हो गया है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ घूमने में और सब कुछ देखने में ही इतना टाइम लग गया है। और मैं बता नहीं सकता, यहाँ पे एक अलग ही वाइब थी जैसे कि मैंने बोला, और बहुत ही अच्छा, और मैं जितना भी बोलूँ यार उतना कम है, ठीक है, सीधी बात मैं करूँगा। और मुझे लगता है कि आज का जो व्लॉग है वो सिर्फ हम गोल्डन टेंपल तक ही डेडिकेटेड रखते हैं, क्योंकि दिस इज द बेस्ट प्लेस। कल मिलेंगे नए व्लॉग में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।